अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, इट्स मोहम्मद नादिर, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। तो गाइस, आज का जो रिएक्शन है वो है अबू साद भाई की वीडियो, ठीक है, जो कि यूथ क्लब वालों के साथ ही होते हैं। मतलब जैसे मैं ताहा इब्न जरीर भाई की वीडियो पे अपनाता हूँ रिएक्शन, ठीक है, मोहम्मद अली भाई, ठीक, उनके साथ होते हैं। तो इनका जो आज का जो इनकी वीडियो है ना, वो है अल्लाह डोंट नीड यू, ठीक है, अल्लाह को तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो का टाइटल तो बहुत देख के ना मतलब सही लग रहा है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं इस वीडियो में क्या है, तो स्टार्ट करते हैं। ये आप अपने पल्ले बांध लें, अल्लाह ताला को हमारी जरूरत नहीं है। आपने कभी नोट किया, मेरे साथ तो बड़ा ऐसे होता था, यार मैं नमाजें पढ़ रहा हूँ, दुआएं मांग रहा हूँ, अब अल्लाह ताला से दुआएं मांग रहा हूँ, मुझे दे ही नहीं रहा, क्या मैं एलिजिबल हूँ अल्लाह ताला से ये क्वेश्चन करने का? अल्हम्दुलिल्लाह कि यानी अल्लाह ताला की जो हम्द है, तारीफ है, शुक्र है, इट्स नॉट टाइम बाउंड, हमेशा से थी, है और हमेशा रहेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा, या यूहन्नास उबुदू रब्बकुम, ए लोगो अपने रब की इबादत करो। बहुत सारे लोग होंगे जो इबादत नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग होंगे इबादत करेंगे। तो यहाँ पे अब ये कह लें कि दो रास्ते निकल आते हैं, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप इबादत करें या ना करें। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं, कितनी दफा फरमाते हैं, या यूहन्नास उत्तकू रब्बकुम, तकवा अख्तियार करो, अपने रब से डरो। पॉसिबिलिटी दोनों हो सकती हैं, या तो आप तकवा अख्तियार करेंगे या नहीं करेंगे। आप पूरा कुरान मजीद पढ़ लें, कहीं भी आपको आया या यूहन्नास या अय्युहल्लज़ीना आमनु इहमदू रब्बकुम, अपने रब की हम्द बयान करो, कहाँ आया? अगर है तो मुझे बताएं, कहीं नहीं आया। वहाँ इसका क्या मतलब है? अल्लाह ताला को हमारी हम की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर वो एक पॉसिबिलिटी आ जाती, आप हम बयान करेंगे तो होगी, नहीं होगा तो इसका मतलब हम नहीं बयान होगी अल्लाह ताला की। बाय जस्ट सेइंग अल्हम्दुलिल्लाह, इससे क्या रिजल्ट निकलता है? His praise is timeless. उसकी हम्द और तारीफ और शुक्र हमेशा से थी, है और हमेशा तक रहेगी। It's timeless. और उसके लिए किसी डूअर की जरूरत नहीं है, ठीक है? He doesn't need you or me to praise him. Wallahi, he doesn't need your prayers. He doesn't need your sujood. अल्लाह को आपकी जरूरत नहीं है। आप चैरिटी कर रहे हैं, वो बड़ी मुश्किल से हाथ से आपके ना कांपते कांपते थोड़े से पैसे निकलते हैं, और सबसे देखते हैं यार वो हरा नोट 10 रुपए का, वो यार फिर कोई आ जाएगा, अच्छा जी कोई खातून जा रही, ओ अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला को इसकी जरूरत नहीं है। मन इहतदा फइन्नमा यहतदी लिनफ्सी, जो बंदा हिदायत इख्तियार करता है ना, जो तकवा इख्तियार करता है, अगर हम आते हैं कुछ ज्यादा अपना रोब ना झाड़ो, तुम अपने लिए कर रहे हो, अल्लाह ताला की कोई इससे इज्जत नहीं बढ़ रही, अल्लाह ताला की कोई बादशाहत में तुम इजाफा नहीं कर रहे। वमन दल्ला फइन्नमा यदल्लु अलैहा, और जो गुमराही की तरफ जाता है ना, वो अपना ही नुकसान कर रहा है। अल्लाह ताला के लिए हमने क्या, फॉर एग्जाम्पल जब से हम पैदा हुए हैं अभी तक हमने क्या एक बिल्ड कर लिया है? अल्लाहु अकबर। हम तो समझते हैं कि नहीं यार, हम मुसलमान हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, वी आर समथिंग। अब अल्लाह ताला जो है ना, अब मैं दुआ करूंगा, देखो कैसी कबूल होती है। यार इट डजंट वर्क लाइक दैट। वो चाहे कोई भी दुआ कबूल ना करे, यू आर इन नो पोजीशन टू यू नो क्वेश्चन हिम व्हाटसोएवर, कि यार मैं सारी जिंदगी, मेरी सारी जिंदगी मैंने सारी नमाजें पढ़ी हैं, मैंने ये किया, वालदैन की खिदमत की है, ये किया, वो किया, अपने फायदे के लिए, सॉरी फॉर दैट, किसी पे आप रोब मत झाड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बताएं कितनी नमाजें पढ़ी हमने, कितनी दफा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं? ये कॉन्सेप्ट कभी हमारे माइंड में है कि अल्लाह डजंट नीड यू एंड मी? अल्लाह ताला की हम ऑलरेडी है, अगर हम कह रहे हैं इट्स फॉर आर यू नो फॉर आर ओन बेनिफिट, तो गाइस ये था आज का रिएक्शन। इनमें उन्होंने बताया कि जो आप मतलब लोग जो इबादत करते हैं, ठीक है, उसके बाद अक्सर लोगों के दिल में ख्याल आ ही जाता है कि यार मैं नमाज पढ़ता हूँ, ठीक है, 24 घंटे, ये वो सारी इबादत, कुरान पढ़ना, उसके बाद भी मेरी दुआ नहीं कबूल होती। तो ऐसे वो कह रहे हैं कि आप अल्लाह से क्वेश्चन नहीं कर सकते कि क्यों नहीं हो रही, वो उसकी मर्जी है, हो सकता है आपकी नमाज ना कबूल हो रही हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। आप तो नहीं ना 100% कह सकते मैंने 5 पढ़े हैं और मैं इतने साल से पढ़ रहा हूँ और मेरी कबूल हो रही है, कोई कह सकता है? कोई भी नहीं कह सकता। तो इसमें अब वो उन्होंने बताया कि आप नाराज़ नहीं हो, मतलब कि आप इबादत करते जाएँ, उसकी मर्जी आप कबूल करें ना करें, और अल्लाह से क्वेश्चन ना करें, उसको आपकी मतलब आप ये ना समझेंगे मैं जिक्र कर रहा हूँ तो अल्लाह का जिक्र, माज़ल्ला अल्लाह का जिक्र हमेशा से बुलंद है, रहेगा, था, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि जो इंसान करता है ना, अपने लिए ही कर रहा है, ठीक है, अगर हम इबादत करेंगे, अच्छे अमाल करेंगे, अल्लाह हमें बख्शेगा, हमारा ही फ़ायदा है ना,
अगर नहीं करेंगे तो हमें खसारे में है, इंसान ही खसारे में है ना। तो अगर इंसान इबादत करेगा अल्लाह के नेक माल करेगा, अल्लाह के हुजूर अच्छे अच्छे मतलब काम करेगा, तो अपना ही फायदा ठीक बना रहा है, अपनी आखरत बना रहा है। ठीक है, दुनिया तो अब सबको पता फानी है, दिन सबने खत्म हो जाए, ज्यादा 40, 50, 60, 100 इतनी होती है ना, तो इसके पास जाना तो इसके पास ही है ना। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो भी आपने करना है ना, वो सिर्फ अपने लिए ही करना है, मतलब अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए करना। अल्लाह का जिक्र हमेशा से बुलंद है और रहेगा। ठीक है, तो ये गाइज ये आज का रिएक्शन था, ये साथ भाई की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज होती हैं, मैं भी देखता रहता हूँ अक्सर। इनका चैनल भी ज्वाइन करें और बहुत सी आपको इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगी इनके चैनल पे, कुछ इस्लाम के रिलेटेड बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और मिलते हैं, आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल लेवल रिएक्शन को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।